इस सत्र में हम विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक दो फसलों को लेंगे। इनमें से प्रथम फसल जो है वो रबड़ की है। प्राकृतिक रबड़ विश्व में रबड़ प्राप्ति का सबसे मौलिक सबसे पुराना स्रोत है। यद्यपि आजकल कृत्रिम रबड़ का निर्माण भी किया जाने लगा है, लेकिन प्राकृतिक रबड़ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, वो अब भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रबड़ की कृषि रबड़ के बागानों में की जाती है, बड़े बड़े बागानों में, और ये अत्यधिक पूंजी निवेश पर आधारित कृषि है। बागानी कृषि या बागाती कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की विशेषताएं एक दो पिछले व्याख्यानों में भी हमने इसका संक्षिप्त जिक्र किया था। रबड़ का पौधा अपेक्षाकृत उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों का पौधा है। उष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होने के कारण इसके उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी न्यून तापमानों में पौधे को नुकसान होने लगता है, पौधे खत्म हो जाते हैं। वर्षा की मात्रा कम से कम 200 सेंटीमीटर और पूरी रेंज के अनुसार 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में रबड़ के पौधे को उगाया जा सकता है। वर्षा का वितरण समरूपी होना चाहिए, अलग अलग महीनों में समान रूप से वर्षा होती रहे तो इस पौधे के विकास के लिए श्रेष्ठ रहती है। भूमध्यरेखीय प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहाँ वर्षा साल भर होती है, अन्यथा भूमध्यरेखा के आसपास के उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, खासकर तटीय भागों में, तटीय भागों के पहाड़ी प्रदेश जहाँ वर्षा की मात्रा साल भर न्यूनाधिक प्राप्त होती है, वो इसकी उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। इसकी कृषि के लिए जड़ों में पानी न ठहर पाए ऐसी आवश्यकता होती है। जड़ों में पानी खड़ा होने पर पौधे गलने लगते हैं, तो मृदा या मिट्टी ऐसी हो जो सुप्रवाहित हो, हल्की हल्की ढाल का प्रदेश इसीलिए इसके लिए उपयुक्त रहता है। उपजाऊ मिट्टियां इसके लिए चाहिए होती है और बड़ी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी इसमें आवश्यक होता है। लावे की काली मिट्टी लावा सोइल्स या लावे से प्राप्त हुई काली मिट्टियां इसके उत्पादन के लिए अच्छी प्राकृतिक दशा उत्पन्न उपलब्ध कराती है। बागाती कृषि में हर एक रबड़ के पौधे को सार संभाल के लिए, रख रखाव के लिए, उससे लेटेक्स निकालने के लिए, फिर लेटेक्स की प्रसंस्करण करके रबड़ बनाने के लिए जो सारी प्रक्रियाएं हैं, रबड़ बनाने का कारखाना भी रबड़ के बागानों में ही होते हैं। इसलिए बड़े आकार के बागानों में इतनी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं ही संभव हो पाती हैं। तो बहुत सारे रबड़ का, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन विश्व में बड़े बड़े रबड़ के बागानों में किया जाता है और विविधतामूलक गतिविधियां या कार्य रबड़ की कृषि से जुड़े जो हैं उन्हें करने के लिए पर्याप्त मात्रा में और इसीलिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता इसको पड़ती है। रबड़ को तीन चार प्रकारों में
विश्व में उत्पादन की दृष्टि से उसमें रख सकते हैं। प्रथम जो रबड़ का प्रकार है उसे हैविया अथवा पारा रबड़ बोलते हैं। यह रबड़ की श्रेष्ठ किस्म है जो उष्णकटिबंधीय ब्राजील के क्षेत्र में ब्राजील में पाई जाती है, वहाँ इसकी कृषि की जाती है। रबड़ का दूसरा जो प्रकार है उसे कैस्टिलोआ या मैक्सिको कैरिबियाई रबड़ प्रकार उस श्रेणी में भी रखा जाता है। कैस्टिलोआ रबड़ मध्य अमेरिका के देश और मैक्सिको इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रकार का रबड़ जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप में उगाया जाता है और यहाँ जो उसकी वैरायटी है उसको लैंडोल्फिया प्रकार की रबड़ की किस्म अफ्रीकी किस्म को कहा जाता है। एक भारतीय किस्म भी है रबड़ की जिसे इंडियन या असमीज असम की या फिकस प्रकार का रबड़ भी बोला जाता है। इंडियन या असामीज या फिकस रबड़ चौथी प्रकार है। इन चारों प्रकार के रबड़ के अपने अपने क्षेत्र हैं विश्व भर में, लेकिन सर्वाधिक रबड़ का जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेश है। इस प्रदेश में यूरोपीय उपनिवेशक शक्तियों ने अपने व्यापारिक और आर्थिक लाभ के लिए बड़े स्तर पर रबड़ के बागान लगाए, अन्य फसलों के बागान भी लगाए, लेकिन रबड़ के बागानों को भी यहाँ शुरू किया और फिर उसको वो प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करके विश्व भर में उसको निर्यात भी वहाँ से किया जाता था। इसी कारण अभी भी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में रबड़ के बड़े बड़े बागान अभी भी कार्यरत हैं, जिनका मालिकाना हक या स्वामित्व बड़ी बड़ी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशनों के हाथ में है। उत्पादन की दृष्टि से थाईलैंड विश्व का सबसे महत्वपूर्ण रबड़ उत्पादक देश है। यहाँ वर्षा भी काफ़ी होती है और उपयुक्त तापमान की दशाएं भी हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व के भी ये देश हैं, इसलिए रबड़ उत्पादन की सभी दशाएं यहाँ पूर्ति हो जाती है उनकी। अकेले थाईलैंड में विश्व का करीब एक तिहाई या इससे भी ज़्यादा 35% के करीब उत्पादन होता है। दूसरा मुख्य उत्पादक देश इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, जहाँ जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीपों पर काली लावे की मिट्टी ढलान युक्त पहाड़ियों में इसका उत्पादन किया जाता है और करीब विश्व का एक चौथाई या 23-24% रबड़ इन इंडोनेशिया के विभिन्न द्वीपों पर किया जाता है। भारत भी रबड़ का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, जहाँ 9-10% के करीब विश्व का रबड़ उत्पादित किया जाता है और यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल, ये 3-4 प्रमुख राज्य या प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रति एकड़ उत्पादकता के हिसाब से तमिलनाडु सर्वोपरि राज्य या क्षेत्र है। तमिलनाडु की पहाड़ियों के ढलानों पर और कर्नाटक की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ढलानों पर, केरल की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ढलानों पर रबड़ की निचली ढलानों पर की जाती है, रबड़ की कृषि होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलेशिया है। मलेशिया में विश्व का करीब 12-13% रबड़ का उत्पादन होता है। तीसरा स्थान विश्व में रहता है, भारत का तो चौथा स्थान है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादकता की दृष्टि से
मलेशिया विश्व में सर्वप्रथम है, सबसे ज्यादा उत्पादक उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र में होता है। इस देश की निर्यात से प्राप्त होने वाली आय का 2/3 हिस्सा अकेले रबड़ से ही प्राप्त होता है और करीब आधे से भी ज़्यादा 55% के करीब जो उत्पादन है वो बड़े बड़े बागानों से, रबड़ के बड़े बड़े बागानों से मलेशिया के विभिन्न भागों में स्थित और पहाड़ी ढलानों पर स्थित बागानों में से उत्पादन होता है। चीन एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश है जहाँ विश्व के करीब 7-1% रबड़ का, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। आजकल विश्व में रबड़ के बाजार की दृष्टि से संश्लिष्ट रबड़ या कृत्रिम रबड़, सिंथेटिक रबर जो केमिकल विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है उद्योगों में, उसका महत्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि प्राकृतिक रबड़ संपूर्ण मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है और उसकी आपूर्ति कम होने से महंगा भी हो जाता है। इसीलिए कृत्रिम रबड़ प्राकृतिक रबड़ को वैश्विक बाजार में काफ़ी प्रतिस्पर्धा भी देने लगा है। लेकिन कृत्रिम रबड़ का उत्पादन अधिकांशतः विकसित देशों में किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक देश विकासशील देश हैं, लेकिन कृत्रिम रबड़ के उत्पादक देश विकसित देश ही हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 1/4 कृत्रिम रबड़ का उत्पादन करता है। रूस, जापान, जर्मनी, कनाडा इत्यादि देशों में भी बड़े स्तर पर कृत्रिम रबड़ का उत्पादन होता है। एक अन्य नकदी फसल या कैश क्रॉप तंबाकू है, जो कि धूम्रपान या चबाने, वैसे ही चबाने के लिए अथवा औद्योगिक रूप से भी काम में आती है। इसको उद्योगों में इससे विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड या कीटनाशकों का निर्माण भी किया जाता है। तंबाकू की फसल उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। वैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अधिक ऊंचाई के भागों में या उष्ण कटिबंधों में जहाँ कहीं शीतकाल कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव देखा जाता है, वहाँ शीतकाल में उनका इस फसल का उत्पादन किया जा सकता है। इसके उत्पादन के लिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये गर्म, अपेक्षाकृत गर्म जलवायु का पौधा है तो इसके लिए ज़्यादा शीतलता हानिकारक होती है और कम से कम 180 अथवा 6 महीने की पाला रहित मौसम इसको, इसके लिए एक अत्यंत आवश्यकता होती है। 9 महीने की फसल में 6 महीने ज़्यादा शीतलता इस फसल को नुकसान दे सकती है। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। वर्षा का वितरण समरूपी होना चाहिए, हर महीने में थोड़ी बारिश होती रहे, इस तरह का स्वरूप इसे इसके लिए आवश्यक होता है, उचित रहता है। अन्यथा सिंचाई के द्वारा इसकी कृषि की जा सकती है। इसके लिए भारी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीयता का अभाव होना चाहिए, अम्लीय मिट्टी इसके लिए नुकसानदेह है। विशेष रूप से इस फसल के उत्पादन के लिए पोटाश युक्त खास खाद की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन युक्त जैसे यूरिया इत्यादि उर्वरकों का भी इसमें उपयोग काफ़ी मात्रा में करना पड़ता है। उर्वरकों का भारी खर्च इस फसल के उत्पादन में करना पड़ता है क्योंकि यह फसल जमीन से उपजाऊ तत्वों को बहुत तेजी से ग्रहण करती है, खींच लेती है। पौधों की सार संभाल के लिए
सस्ते श्रम की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस पौधे में व्यक्तिगत रूप से देखभाल की आवश्यकता काफी होती है। इस पौधे तंबाकू के उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो चीन विश्व का सबसे वृहत उत्पादक देश है, जहां अकेले इस देश में 45-46% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यांगत्से क्यांग नदी घाटी के ऊपरी मध्यवर्ती भाग में स्थित जेचवान राज्य, या जिसे रेड बेसिन भी कहते हैं, उसका बड़ा हिस्सा है। रेड बेसिन, लाल बेसिन और पूर्वी नदी घाटियों के मैदानी प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं चीन में। विश्व में तंबाकू का दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक देश ब्राजील है, जहां विश्व का करीब 15% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यूएसए का तंबाकू, संयुक्त राज्य अमेरिका का तंबाकू विश्व प्रसिद्ध है। यहां कैरोलिना, केंटुकी, टेनेसी, वर्जीनिया, लुइजियाना, उत्तरी फ्लोरिडा तथा उत्तर पूर्व के न्यू इंग्लैंड राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत भी यूएसए में विश्व का 5-6% तंबाकू का उत्पादन होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय है और उसकी विश्व में निर्यात बाजार में अच्छी मांग रहती है। भारत में भी तंबाकू का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, और विश्व का लगभग 9-10% तंबाकू उत्पादन भारत में किया जाता है। मुख्य उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, गुजरात ये क्षेत्र हैं। यहाँ इनका मुख्य उत्पादन किया है, मुख्य उत्पादक यहीं से होते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि को कोई भी कृषक अपने स्तर पर नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन, अनुमति लेनी होती है, और इस कार्य को टोबैको या तंबाकू बोर्ड नामक संस्था कंट्रोल करती है। तंबाकू के मुख्य निर्यातक देशों में चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, जिसके तंबाकू की अच्छी मांग है, जमैका, जिम्बाब्वे, भारत तथा यूरोप के इटली व यूनान देश भी शामिल हैं। मुख्य आयातक देशों में यूरोप, रूस या पूर्व सोवियत संघ के सभी देश, जापान, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये सब मुख्य आयातक देश हैं तंबाकू के।